डेब्यू मैच में ही शानदार प्रदर्शन किया। कुलदीप ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन देकर राजस्थान रॉयल्स टीम को मैच जिताकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष में पहुंचा दिया है। रविवार को लखनऊ के साथ हुए मैच में कुलदीप सेन ने अपना डेब्यू किया। लखनऊ को मैच जीतने के लिए अंतिम ओवर में 15 रनों की आवश्यकता थी और कप्तान ने नए गेंदबाज कुलदीप पर भरोसा जताते हुए उन्हें गेंदबाजी सौंपी। कुलदीप सेन ने किफायती गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को 3 रन से मैच जिता दिया। इससे पहले कुलदीप को अपने आईपीएल करियर के दूसरे ओवर में ही सफलता मिल गई थी। उन्होंने लखनऊ के दीपक हुड्डा को आउट किया। इसके साथ ही कुलदीप ने मैच में सबसे तेज गेंद 146.4 की स्पीड से फेंकी। इसके लिए उन्हें अवार्ड भी दिया गया। उनके शानदार प्रदर्शन में उनके परिवार के साथ ही रीवावासियों में खुशी की लहर है। उसमें एक मेहनत करने की इच्छा शक्ति थी और जो भी उसको बोला गया है करने के लिए तो उसने काम किया और आज उसका परिणाम यह है कि 12 साल के बाद, मतलब 12 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, 12 साल के बाद वो आईपीएल टीम में आया है तो एक उसका पैशन था और एक क्या बोलना चाहिए आपका कि एक इच्छा शक्ति थी, इस वजह से आज वो उस मुकाम पर पहुंचा। आईपीएल में कुलदीप सेन जो रीवा जिले के एक छोटे से गांव के हरियरपुर के रहने वाले हैं, उनके पिताजी रामपाल सेन हैं जो सैलून की दुकान ये रीवा में चला रहे हैं सिरमौर चौराहे में। हम उनसे बात करेंगे कि प्रतिभाशाली क्रिकेटर जो गेंदबाज है कुलदीप सेन, उन्होंने यहां तक पहुंचाने में कितनी मेहनत की है। जी बताएं रामपाल जी, आपके बेटे आज नाम रोशन कर रहे हैं, कल बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं और टीम को जीत दिलाई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब हमें तो बड़ा गौरव महसूस हुआ, बड़ी खुशी हुई कि मेहनत करके ऐसा मुकाम हासिल किया, तो काफी खुश हूँ। कल मैच था, आपने देखा मैच? हाँ, मैच मैंने देखा। कैसा लग रहा था टीवी में देख के, अपने बेटे को टीवी में देख के कैसा लग रहा? अरे अच्छा महसूस हो रहा था, हो गया उसकी बॉलिंग की देख के माने खुशी होती थी, गौरव होता था। जब वो विकेट लिया तो काफ़ी हंसी हुई, ताली ओली बजाए हम और घर के पूरे सदस्य थे, सब खुश हुए। जैसे इनके पिताजी का कहना है कि कुलदीप के बचपन से ही रुचि थी क्रिकेट के लिए, हम तो पढ़ाई करने के लिए रीवा भेजते थे लेकिन वो पढ़ाई में चोरी चोरी जाके स्टेडियम में क्रिकेट देखते थे और क्रिकेट में खेलना शुरू कर दिए और उनका रीवा जिला में भी सिलेक्शन हुआ, सिंगरौली के लिए गए तो वहाँ भी चोरी चोरी गए, पैसे की मांग की पिताजी ने नहीं दिया और अपने दम पर वो इतना यहाँ तक आईपीएल तक पहुँचे हैं। दिनेश दाहिया, INS 27 के लिए।